स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कमाल का शॉर्ट ट्रिक लाया हूं। पहले आप ये लंबा मेथड देख लीजिए, बुक्स में है, ये आपका पूरे का पूरा टाइम खा जाएगा और मैं आपको सलवटों में सेकंड्स में आंसर बना के दूंगा। अभी देखो, दिस इज अ सिस्टम हियर, दिस आर द बैंड्स, दिस आर द बैंड्स, दिस इज अ बैंडविड्थ एंड दिस इज एन एंगल थीटा, दिस इज केप्ट इन एयर, इसको हवा के अंदर रखे, ये पूरे सिस्टम को अगर पानी के अंदर रखेंगे तो फिर व्हाट इज एन एंगल, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, सो इज आस्किंग सपोर्ट द एंगुलर फ्रिंज विड्थ व्हेन इट इज केप्ट इन वाटर। If it is air, air it is given as theta in air is given as 0.2, he is asking. वो आपको theta in water मालूम करने के लिए कह रहा है। So mu is equal to theta in air by theta in water. So theta in water is equal to theta in air divided by mu, which is 0.2 divided by mu is 4 by 3. So 4 by 3. If you calculate, you will be getting 0.15 degrees. So this is going to be your answer. ये है आपका answer. Thank you.